नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर और मैं हूं आपके साथ सोनू पांडे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का रुड़की दौरा, गांधी परिवार पर साधा जमकर निशाना। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, स्कूली बच्चों को भी उठानी पड़ रही है भारी परेशानी। बैंड बाजे के साथ निकाली गई श्री राम की बारात, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गडकरी ने किया एलिवेटेड रोड का उद्घाटन, डिप्टी सीएम सहित कई मंत्री रहे मौजूद। गुरु रविदास मंदिर के रोष में बैठक का आयोजन, अनुयायियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात उत्तराखंड के रुड़की की, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गिरिराज ने पूरे भाषण में गांधी परिवार पर निशाना साधते नजर आए, साथ ही नेहरू को देश की बर्बादी का जिम्मेदार भी बताया। उन्होंने कहा कि 70 साल से 370 पर फैसला न होने के पीछे कांग्रेस पूरी तरह जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ही हिंदू मुसलमानों के बीच की खाई को वोट की राजनीति के बीच बांट कर रखा है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए उन्हें मोनी बाबा बताया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड के धनौल्टी तहसील की, जहां इलाके में दो दिनों से जमकर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय नत्यूड़ के आसपास के नदी उफान पर हैं। भारी बारिश के चलते लोगों में हाहाकार मचा हुआ है, जिससे स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तेज हवा के साथ बारिश होने से मौसम में ठंडक महसूस की जा रही है। खबरों में बात उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां नवरात्रि के अवसर पर बैंड बाजों के साथ नगरवासियों द्वारा श्रीराम की बारात निकाली गई, जिसमें अलग अलग इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस अवसर पर राम लक्ष्मण सहित कई झांकियां निकाली गईं। इसके अलावा राम के जीवन पर आधारित रामलीला का भी आयोजन किया गया, जिसमें कलाकारों ने अपनी अपनी कलाओं को पेश किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड के रुड़की की, जहां सहकारी बैंक लिमिटेड की 19वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सहकारी बैंक के निदेशक दान सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान किसानों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही जिला कोऑपरेटिव बैंक के बड़े अधिकारियों द्वारा किसानों को बेहतर विकास के रास्ते बनाने के लिए संचालित योजनाओं के बारे में भी बताया गया। हरिद्वार जिला इस प्रदेश का सबसे पुराना जिला सहकारी बैंक है और आगामी फरवरी में इसको 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई। हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है कि इस बैंक का इतिहास बड़ा गौरवशाली है। आज के इस सामान्य निकाय की इस बैठक में विगत 5 वर्षों का सारा बजट जो है वो पारित हुआ है। सदस्यों में काफ़ी उत्साह है। यहाँ की वर्तमान प्रबंध समिति में यहाँ के अध्यक्ष भाई प्रदीप चौधरी जी और उनके संचालक मंडल के सदस्यों के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। इसके लिए हम 1,00,000 रुपये तक का ऋण निःशुल्क 0% पर उसको उपलब्ध करा रहे हैं, जो हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में उसको हम देखते हैं, ताकि किसान की आय दुगुना हो और हमारा किसान खुशहाल रहे। इसके लिए ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे प्रदेश के आदरणीय मंत्री जी धन सिंह रावत जी, हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष आदरणीय दान सिंह रावत जी सहित समस्त हमारे जितने इस
पंडित दीनदयाल किसान कल्याण योजना से हमारे अधिकारी और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे किसान के लिए उन्होंने इस प्रकार की योजनाएं चलाई और आगे भी भविष्य में हमारी एक दो योजनाएं इस प्रकार की है कि ताकि हमारे किसान की आय दुगुना हो। खबरों में बात उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां शारदा नवरात्रि शुरू हो गई है। इस अवसर पर नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में माता रानी के भक्त पूजा पाठ के लिए पहुंचे। इस दौरान मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा, जिसमें भक्त माता रानी के जयकारे लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि शारदा नवरात्रि में 9 दिन तक पूजा पाठ किया जाता है। पहले दिन भक्तों द्वारा देवी माँ की स्थापना की जाती है। गौरतलब है कि नवरात्रि को हिंदुओं का प्रमुख त्योहार माना जाता है। लगी हुई है, सुबह सुबह ही भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। छोटे बच्चे और बड़ी महिलाएं और सब महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं और माता की जय जयकार हो रही है। आज सुबह से ही नवरात्रि का कार्य प्रारंभ हो गया है और जो है माता के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। खबरों में अब बात यूपी के अमेठी की, जहाँ बीते कई दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में मौसम के रुख को बदलते देख लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। बारिश ने नवरात्रि के पहले दिन से ही जिले के तमाम जगहों पर शुरू होने वाली रामलीला के आयोजकों और दुर्गा पूजन समितियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश के चलते इलाके में रामलीला का भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। रामलीला के बारे में हमको जब से हम समझ रहे हैं तब से रामलीला हो रही है, लेकिन इस वर्ष बारिश की वजह से रामलीला प्रभावित हो रही है। 26 तारीख से होना, लेकिन आज इसमें 30 तारीख है, डेली बरसात हो रही है, लोग आ रहे हैं, मायूस होके जा रहे हैं। अगली खबर भी यूपी के अमेठी से है, जहां दुर्गा पूजा के आगमन से ठीक पहले बेवक्त बरसात ने मूर्तिकारों को मायूस कर दिया है। बताया जा रहा है कि जैसे जैसे दुर्गा पूजा निकट आ रही है, अमेठी वासी एक अलग रंग का माहौल में ढलते नजर आ रहे हैं। हर जगह पूजा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि पहले से की गई बुकिंग के अनुसार उन्हें प्रतिमाओं की डिलीवरी समय पर करनी होगी, लेकिन धूप ना निकलने की वजह से माता की प्रतिमाएं सुखाने में एक दिन की जगह 7 दिन से अधिक का समय लग रहा है। ऐसे में बाध्य होकर उन्हें गैस सिलेंडर के माध्यम से प्रतिमाएं सुखानी पड़ रही है। सर, हमें दिक्कतें बहुत सी आ रही हैं, जैसे हमें बारिश में सुखाने में मूर्तियों में हमारा गैस ज्यादा लगता है और हमने कस्टमर से जो एग्रीमेंट किया है उससे हम ज्यादा पैसा ले नहीं सकते हैं। इससे हमारे लमसम 2-3 हजार रुपए की गैस लग जाती है, इसमें हमारा बहुत नुकसान हो जाता है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है, जहां नवरात्रि के अवसर पर सभी छोटे बड़े मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां लोगों ने बड़े ही धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भक्तों द्वारा माता रानी की पूजा के लिए तरह तरह की तैयारियां की जा रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। आपको बता दें कि प्राचीन ऐतिहासिक झंडे वाला मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर लोग हर्षोल्लास के साथ माता रानी का दर्शन करने पहुंचते हैं। खबरों में बात उत्तर प्रदेश के हापुड़ इलाके की, जहां भारत सरकार की महत्वाकांक्षी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे परियोजना के तृतीय चरण डांसना से हापुड़ तक नवनिर्मित 6 लेन और एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया गया। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य मंत्रीगण मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए नितिन गडकरी ने सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। मैंने खुद एक मॉडल तैयार किया, स्टेट बैंक के चेयरमैन ने पहले बिल में 50,000 करोड़ रुपए देने के लिए मंजूरी दे दी। LIC के चेयरमैन मुझे अश्योर करके गए कि 25,000 पर साल से 5 साल में 1.25 लाख करोड़ देंगे। मैंने पिछले रेजिम में 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए थे। सामने बसते बसते में जा तो राजेंद्र जी, ये काम अगले मार्च में मुझे अधिकारी कह रहे हैं, पर ये पूरा काम जनवरी के पहले पूरा करने की हम कोशिश करेंगे और जिससे दिल्ली से मेरठ केवल 45 मिनट में आप पहुंच जाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। लंबा समय यहां पर लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हम सबकी इच्छा है कि जो विकास की सौगात आज मेरठ गाजियाबाद हापुड़ को मिल रही है, उस सौगात के साथ साथ हम सबका मार्गदर्शन, हम सब जिनका उद्बोधन यहाँ सुनने के लिए आए हैं, ऐसे गडकरी जी को ही ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए।
मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, मैं तो आप सबके बीच में आता ही रहता हूं, लेकिन आज मैं एक बात इस मंच से कहना चाहूं। अभी हमारे एनएचआई के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कुछ समस्याओं के समाधान का जिक्र किया। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करिए और उत्तर प्रदेश की सरकार हर उस समस्या के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगी जिन समस्याओं के कारण पिछले समय सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में समस्या होती थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हरियाणा के टोहाना इलाके की, जहां गुरु रविदास मंदिर के रोष में दलितों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें दलित समाज के कई प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि बीते दिनों रविदास मंदिर तोड़े जाने को लेकर दलित समाज ने दिल्ली में एक आंदोलन किया था। इस दौरान भारी संख्या में देश भर से दलित समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी दी थी। हालांकि उस वक्त पुलिस द्वारा कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। बैठक के दौरान उस वक्त हुई गिरफ्तारी का विरोध करते हुए गुरु रविदास के अनुयायियों पर दर्ज मुकदमे रद्द किए जाने की मांग की गई, साथ ही 3 अक्टूबर को सांकेतिक धरने की भी बात कही गई। जो प्यारी साध संगत जी, सारी संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। अज संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास मंदिर पुरानी सब्जी मंडी टोहाना विखे सारे समाज की मीटिंग रखी गई, जिस विचार चर्चा की गई। जो आप सारी संघ को पता ही है कि 21 तरीक न दिल्ली तुगलकाबाद जो प्रदर्शन किया गया, साढ़े बहुत साथी गिरफ्तार होए या सरकार वालों गिरफ्तार किए गए, जो कि नजायज़ धारा ला के उन्होंने अंदर किया गया। सो उस दे विरोध प्रदर्शन के सारे ही समाज ने यह रल मिल के फैसला लिया कि आने वाली 3 तरीक न सारे समाज वालों सवेरे दस बजे एक संकेतिक धरना सरकार के विरोध में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौंक विखे रखा जाना है। अगली खबर हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके की है, जहां बैंक में पैसे जमा करवाने आए एक युवक से गन पॉइंट पर लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दो बदमाशों ने कैश रिसिप्ट भर रहे युवक से पहले तो पेन मांगा और बाद में उसे गन दिखाकर बैंक से बाहर ले गए, जहां युवक के साथ मारपीट की गई और उससे 17,000 रुपए छीनकर बदमाश मौके से फरार हो गए। हालांकि बदमाश बैंक से बाहर निकलते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक में सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी बदमाश बैंक के अंदर हथियार लेकर कैसे घुस पाए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मेरा भांजा यहाँ पैसे जमा कराने बैंक में आया, बैंक में वहाँ पैसे अपनी पर्ची भर रहा था, इसको दो आदमियों ने पिस्तौल लगा कर गेट के बाहर ले जाके पैसे इसके छीन लिए गए। इसने मैनेजर को बताया कि मेरे पैसे छीन लिए, इन्होंने आधे पौने घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना इनके आधे से ज़्यादा कैमरे चलते हैं, इनकी 100% इन्वॉल्वमेंट है। तो पैसे बैंक में आया था, अपने पैसे जमा करवाए 17,000 रुपये, दूसरे जैसे मैं जमा करवाया था पैसे, उसके तुरंत में स्लिप भर गया था। दो जने आए, दो लड़के आए, तो वो मुझसे बोले कि पेन है, पेन लेके पेन के बाद सब पास में आके हमने गन दिखाई, गन दिखा के दो बाहर लेके आए। एक जना पहले निकल गया था, पता नहीं बाइक लेने गया था क्या लेने गया था, तो दूसरा जना मेरे पीछे दूसरा जना मैं आगे था, मैं स्कूटी सामने खड़ी थी बिल्कुल बैंक की, मैं अपनी स्कूटी पर गया, मैं निकल जाता हूँ कैसे भाग लेता हूँ यहाँ से, अब आप सबको बताता हूँ क्या हुआ। पैसे निकाले, जितने पैसे निकाले मैं पीछे मुड़ा, उसने जो पहले आगे निकला था बाइक लिया और चला गया। अगली खबर हरियाणा के हांसी की है, जहां गांधी मार्केट में सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है। इलाके के लोगों द्वारा बार बार की गई शिकायत के बाद आखिरकार नगर परिषद ने सड़क निर्माण का काम शुरू कराया। दरअसल सड़क न बनने के चलते इलाके के लोग काफी नाराज थे। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में यहां पानी भरने की समस्या बनी रहती है, जिससे नगर वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ गांधी मार्केट में कम से कम 15 से 20 साल कि ये समस्या थी। यहाँ पर ये आप जहाँ पर अनुराग जी खड़े हो, ये 3-3 बैंक हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बड़ी गंभीर समस्या थी। यहाँ पर पानी खड़ा रहता था और रोड का भी यहाँ पर बुरा हाल था,
तो इसलिए हमने गांधी मार्केट का टेंडर करवाया है और टेंडर करवाने के बाद एजेंसी को काम दिया है और आचार संहिता से पहले इस काम को हमने शुरू करवा दिया था। अब गांधी मार्केट में ये सीसी के रोड बन रहा है और उससे पहले हमने इसमें एक 8 इंची लाइन भी डलवाई है ताकि लोगों को पानी की समस्या दूर हो सके। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्र खबर के साथ।